हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, जिन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिंक के साथ, उन्हें देखिए। देन आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को रिमाइंडर थ्योरम के साथ। तो बिना देरी करे रिमाइंडर थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये आपको हेल्प करेगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 करने के लिए। तो चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ, जो कुछ ऐसे है। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, p यूज होता है हमारा पॉलिनोमियल के लिए, और ब्रैकेट में जो वेरिएबल लिखा जाता है वो लिखा जाता है हमारे पॉलिनोमियल के वेरिएबल को। यानी सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। यानी ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखा जाएगा जो हमारे पॉलिनोमियल में है। अगर हम x की जगह a लिखेंगे तो हमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल चेंज करना होगा, या फिर हम अगर कोई नंबर भी लिखेंगे तो भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पीए को समझने में हमारे काम आने वाला है। तो जैसे थ्योरम कहती है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, और ए एक रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बताया था जिसकी डिग्री 1 हो, यानी हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। तो अगर पी एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड होता है तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो होगा पी ए। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सपोज पी एक्स है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा पी एक्स है, और हमारा पी एक्स x माइनस 3 से डिवाइड हो गया। ध्यान रखिएगा यही फॉर्म होनी चाहिए x माइनस a वाली। तो x माइनस 3 से अगर ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो जो हमारा रिमाइंडर है, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड इससे डिवाइड करने के बाद, तो वो हो जाएगा p3, यानी 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। ये इसका स्टेटमेंट एग्जांपल के साथ, ये इसकी इक्वेशन है कि px जब किसी x माइनस a वाले लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा क्यू टाइम्स में, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, पी ए। और पी ए जैसे मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। बेसिकली ये थ्योरम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होती है, ठीक। तो आप इस थ्योरम का स्टेटमेंट नोट कीजिए, इस इक्वेशन को नोट कीजिए और एक एग्जाम्पल नोट कीजिए। अब हम इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं टू मेक दिस मोर क्लियर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, जो कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें x माइनस a की फॉर्म जरूरी है, बिना अगर x माइनस a के अलावा और कोई फॉर्म होगी तो ये थ्योरम वहां पर वर्क नहीं करेगी। इसीलिए जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वो x माइनस a की फॉर्म में होना जरूरी है। तो पहले इसे करते हैं, जैसे कि थ्योरम कहती है कि अगर x माइनस a से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए। तो मैं लिखता हूं यहां पर रिमाइंडर इक्वल्स टू पी ए। पी एक्स क्या है हमारा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पी ए, पी ए यानी पी ए का क्या मतलब है, ए क्या है हमारा, ए की जगह हमारे पास क्या है, 1। तो हम क्या निकालेंगे यहां पर, पी 1। तो क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे x की जगह, क्योंकि यहां पर हमने x की जगह 1 पुट किया है तो यहां पर भी करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1
प्लस वन, ठीक है। तो वन की पावर फोर वन, प्लस वन की पावर थ्री वन, माइनस टू इंटू वन, प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो वन टू माइनस टू प्लस टू, वन प्लस वन टू, माइनस टू इंटू वन माइनस टू, वन प्लस वन टू, माइनस टू से सॉरी प्लस टू से माइनस टू कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा हमारा टू, रिमाइंडर क्या बचा टू। आप अपनी संतुष्टि के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं इससे डिवाइड करके, ठीक। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब क्योंकि जैसा मैंने बताया कि x माइनस a की फॉर्म जरूरी है, तो कुछ क्वेश्चंस अलग फॉर्म में भी मिल जाते हैं, यानी कुछ लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारे और भी किसी फॉर्म में मिल सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि हमेशा हमें x माइनस वन ही देखने को मिलेगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैं कुछ लिख रहा हूं 2x प्लस फाइव, अगर कोई पॉलिनोमियल 2x प्लस फाइव से डिवाइड होगा तो कैसे करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास x माइनस है तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा, हमें x माइनस है जरूरी है। पहली चीज, अगर आपको प्लस हटाना हो, अगर आपको प्लस हटाना हो तो माइनस ब्रैकेट में ले लो, यानी 2x माइनस माइनस फाइव, ठीक है। तो माइनस का खेल खत्म, यानी अगर कभी भी आपको प्लस दिखे तो आप माइनस को ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। दूसरी चीज होती है x को अकेले रखने का, यानी x का कोफिशियंट वन बनाने के लिए। तो इसको वन बनाने के लिए पूरे को किससे करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। तो इसे टू से डिवाइड करेंगे हो जाएगा x माइनस, और इसे टू से डिवाइड करेंगे हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू, क्लियर है। उसी तरह अगर x प्लस वन है तो x प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस वन। उस केस में हमारा a क्या होगा, माइनस वन, और इस केस में a हमारा क्या है, माइनस फाइव अपॉन टू, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना कि हमेशा x माइनस ए की फॉर्म ही होनी चाहिए। अगर प्लस है तो माइनस कॉमन ले लें, और अगर कोफिशियंट वन नहीं है तो जो कोफिशियंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर 3x प्लस सिक्स है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो माइनस, तो 3x माइनस माइनस सिक्स, और इसको इसका कोफिशियंट वन बनाना है तो इस कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे, यानी इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, थ्री से। थ्री से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस सिक्स अपॉन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस टू। तो यहां पर हमारा ए क्या होगा, माइनस टू। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक। अगर एक्स माइनस ए है तभी पी ए हमारा काम करेगा, तभी हमारी रिमाइंडर थ्योरम काम करेगी। तो ये थी रिमाइंडर थ्योरम और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए टू टेस्ट योर सेल्फ। तो ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन टू टेस्ट योर सेल्फ। इन क्वेश्चन को कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट निकले इस टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर से, या फिर किसी अलग चैप्टर से, किसी अलग बुक से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उसकी पिक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।